स्टूडेंट्स ऑफ जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट सिस्टम जो इस एग्जाम की तैयारी में है, डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में उनके लिए कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, नया चैप्टर, उस नए चैप्टर के कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स आई होप that these questions may be asked in your examination. The first question is here: if A is equal to ABC, A set, and B equal to DEF, another set, then number of elements of A cross B is. Dear students, इसका जो concept है A cross B हमने discuss किया in previous lecture relation and function में. एक वीडियो अपलोडेड है, वहां जाके आप देख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिफाइन डिस्कस किया है वहां पे। अब यहां पे क्वेश्चन है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे इफ ए कंटेनर्स ए बी सी थ्री एलिमेंट्स एंड बी कंटेनर्स डी ई एफ थ्री एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स वी नो If A contains n elements and B contains m elements, then number of elements in A contains n elements, B contains m elements, then A cross B contains m n elements, m into n elements. Dear students, यहाँ पे A has three elements, B has three elements, their Cartesian product, that is A cross B जो आपके पास है, m n means 3 into 3, because A has three elements, B has three elements, their Cartesian product contains 3 × 3 elements, that is 3 × 3 = 9. We see here it is 3, ये गलत है, 6 ये भी नहीं है, C part is the correct option. ये आपके पास first objective का answer आ गया. Dear students, next objective is if A is equal to AB, अगर A में दो elements होंगे and B also contains two elements, वेरी भी हो सकता है, क्वेश्चन वेरी भी हो सकता है, यहां पे 3 एलिमेंट्स डाल सकते हैं, यहां पे 4 एलिमेंट्स डाल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज, नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी हो सकती हैं? ऑप्शन इज 8, 512, 64, नॉट मीन्स नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए भी एक वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, वहां पे आप जाकर इसको डिटेल में देख सकते हैं। यहां पे मैं इसका सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ए कंटेनर्स टू एलिमेंट्स, बी कंटेनर्स टू एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इफ ए हैज ए सेट व्हिच कंटेनर्स एन एलिमेंट्स, रिमेंबर दिस, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2^n। यस, ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ ए सेट कंटेन्स एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दैट गिवन सेट इज 2^n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन सेट। अब यहां पे वी हैव ए कंटेन्स टू बी कंटेन्स टू, तब जाके ए क्रॉस बी जो आपके पास होता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास होंगे, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, इट कंटेन्स 2 × 2 बाय प्रीवियस ऑब्जेक्टिव, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हैज 4 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट्स, ये आपके पास सेट होता है एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर रिलेटेड टू रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पे डिस्कस किया हुआ है। ये भी एक सेट होता है, ए क्रॉस बी इज आल्सो सेट। अब जो भी सबसेट इस ए क्रॉस बी का होता है देयर फॉर्म्स ए रिलेशन, ये भी डिस्कस किया है।
क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे सबसेट्स रिलेशंस हैं, मीन्स जितने सबसेट्स इस ए क्रॉस बी में होंगे इतने हमारे पास रिलेशंस होंगी फ्रॉम ए टू बी, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशंस। देन हमारे पास होगा टू रेज इन पावर, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज फोर, दैट इज टू रेज इन पावर फोर इज टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। Yes, students, ये हमारे पास होगा, that is 2 into 2, 4 into 2, that is 8 into 2, 16. Now see here, we have 8, 512, 64, none of these. तब जाके आपके पास D option is the correct option. Because we have 16 as the correct option of this object. अब जो तीसरा object है इस chapter का expected object, if A has 6 elements and B has 5 elements related to first object. Your first object is same as first object. We have A ke 6 elements and B ke 5 elements. Then number of elements in A cross B mein kitne elements honge? Clearly we have number of elements in A cross B is 6 into 5. Karne ki zarurat nahi hai, simply inka product aap denge. If you have to find number of elements in Cartesian product, that is 6 into 5 is 30, that is B part is the correct option. Dear students, inshallah next video mein kuch aur expected objective jo aapke exam mein puche ja sakte hain unke related discussion kar lenge. Dear student, isse pehle ki is video ka ikhtitam kar le, subscribe my channel taki aane wali har next video aap tak sabse pehle pahunche, aur video share kar lena taki dusre bache bhi inse istifada haasil kar sake. Thank you. Have a nice day.